हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ, वेलकम बैक टू माय चैनल ए न्यू होप। ए वेरी गुड एंड फ्रेश मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, स्वस्थ हो अपने परिवार के सहित। एक बहुत इम्पोर्टेंट जो इंटरव्यू है यंग फेलो के लिए एंड स्टेट कोऑर्डिनेटर के लिए, वो 10 जून से शुरू हो जाएगी। इट्स अराउंड 10 to 14 या समथिंग एल्स लाइक दैट। वो इंटरव्यू फेज वाइज होगी, सो यू डोंट वरीड अबाउट द मेल और एनी थिंग एल्स। दे माइट बी डिले योर इंटरव्यू अकॉर्डिंग टू द फेज वाइज, सो इट्स डिपेंड ऑन दैट नेचर ऑफ द टाइम, द पेनल्टी द पेनल ऑफ द इंटरव्यू अवेलेबिलिटी एंड मेनी थिंग एल्स एट देयर। सो डोंट वरी अबाउट द मेल इफ यू डोंट गेट इट। यू शुड यू विल गेट द मेल वेरी सून वेन दे शेड्यूल योर इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट ऑनलाइन। So, I think some guys have their interview on 9:30 to 11, and some have in the evening afternoon time. So it's depend how they schedule the program. Please, I have uploaded a video regarding what the date, the medium of their interview, like Webex, Cisco, anything else. If they are intimated you through your mail ke sahit aapko wo link, password, कोड सारी वो भेज देंगे। डोंट वरी अबाउट एनी थिंग एल्स। प्लीज़ रीचेक योर मेल रेगुलरली, फ्रिक्वेंटली चेक योर मेल, तभी आपको मिल जाएगा। अभी अगर कोई आपके इनबॉक्स में नहीं होगे, शायद यू कैन चेक योर स्पैम और यू कैन चेक द जंक फाइल ऑल्सो। मेनी टाइम्स ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम एंड इशूज द इम्पोर्टेंट मेल गोज टू योर स्पैम और जंक फाइल। सो प्लीज़ विथ योर इनबॉक्स प्लीज़ डू चेक इन दैट फॉर्म ऑल्सो। It will be regarding helpful. Otherwise, you will do miss the important mail. Okay. So, guys, please do watch all the 2 videos uploaded earlier, which is related to the Young Fellow interview personality test. Today, this is the most important thing we are going to discuss about that. The important element of role development, like some schemes, project, their outcome, result, and many things else related to that. NIRPDDR की हमारा पंचायत राज डिपार्टमेंट और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का जो एनुअल रिपोर्ट है 2019 एंड 20 का, अभी 2020-21 का नहीं निकली है। सो गाइज प्लीज फोकस ऑन द प्रीवियस ईयर रिपोर्ट, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू, इमेंसली हेल्प यू। अगर एक स्टैटिस्टिक बता रही हो, कोई एक क्वेश्चन आ रही है आपको, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना या आपकी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के ऊपर, अगर आप खुद का स्टेट की, मैं उड़ीसा से बिलोंग्स करती हूँ, इफ़ दे को आस्क क्वेश्चंस टू एनी कैंडिडेट ऑफ उड़ीसा, दे हैव इफ द कैंडिडेट से सम स्टैटिस्टिकल डाटा टू देम व्हिच इज करेक्ट एंड बेस्ड ऑन देयर रिपोर्ट, इट विल बी रियली गिवन वेटेज टू योर इंटरव्यू। जितने भी मार्क का इंटरव्यू हो, वो आपको एक वेटेज देगी, क्योंकि आप एक फंडामेंटल क्लैरिटी है आपके पास, आप अपडेटेड हो, इन्फॉर्मेशन है आपके पास, इट विल बी वेरी रियली हेल्पफुल टू यू। सो गाइज प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए। आई विल ट्राई टू डिस्कस इस बीट व्हिच इज इम्पोर्टेंट फॉर योर इंटरव्यू। दे मे आस्क, आई डोंट से कि दे डेफिनेटली आस्क दिस क्वेश्चन, नो। आई ऑलवेज से टू यू, इफ यू हैव सम आइडियाज रिगार्डिंग दिस व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन, यू कैन ऐड टू दैट। हम सभी जानते हैं, जब भी हम कोई ऐसा लिखते हैं या कोई डिबेट देती है, कोई भी चीज़ हम करती है, तभी कोई स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन अगर दे, तो वो वहाँ पर वो वैल्यू अधिक बढ़ जाती है। तो ये भी सही इसी तरह किसी है, अगर इंटरव्यू सिर्फ लैंग्वेज की हो या इंटरव्यू सिर्फ आपके आप जो जानते हो एक्सपीरियंस वर्ड्स हो, उसी के सहित अगर आप गिव सम स्टैटिस्टिकल डाटा टू देम, इट विल रियली हेल्पफुल टू यू। So guys, have patience, be calm, and do refer this material. I will also give the link to you in my description box. You will find and read this material also. Don't worry about this. Let us see what is in the report. Okay, first of all, we would like to go with the schemes and project related to rural development. Okay. The Government of India, in recognition of the role played by infrastructure in poverty removal, has taken up massive programs for construction of both urban and rural infrastructure. पहले तो ये बात है कि rural development के बाद क्यों आती है, because
most of the people in rural areas are particularly based on their livelihood with agriculture. वो एग्रीकल्चर बेस्ड एक्टिविटीज करते हैं, उनका लाइवलीहुड जीवन जीविका जो है वो कृषि के सही जुड़ी है. 80% ऑफ द इंडियन पीपल आर डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, 70% समथिंग एल्स, सो अराउंड 70+%. तो ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है, रूरल डेवलपमेंट हम क्यों चाहते हैं? बिकॉज ऑफ द रिमूवल एंड रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी लेवल. ये पहला एंड द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग फॉर ए रूरल डेवलपमेंट कोनोटेशन. अगर हम ग्रामीण विकास की बात करें तो इट विल बी फर्स्ट कम टू समवन्स माइंड दैट रूरल डेवलपमेंट शुड बी एमार्ट फॉर द रिमूवल ऑफ पॉवर्टी. देन इट माइट बी इंक्रीज ऑफ लिटरेसी रेट, एजुकेशन ड्रॉप आउट, मैटर्निटी, मेनी थिंग एल्स आर देयर. द फर्स्ट थिंग इज दैट अगर हम कहें पहला पैरामीटर क्या है, वो है हमारा जो इम्पोर्टेंट चीज पॉवर्टी रिमूवल. ठीक है, देन महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट या महात्मा गांधी NREGA, MGNREGA, जो कि यू ऑल आर वेरी नोन एंड फैमिलियर टू दिस प्रोजेक्ट. सभी जो भी एक विलेज में बिलोंग्स करते हैं या कोई अर्बन एरिया में भी आप बिलोंग्स कर रहे हो, यू एवरी वन आई थिंक आई होप हर्ड अबाउट द वर्ड MGNREGA, जो कि हमारा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 के सहित हुई थी. इम्पोर्टेंट है ये हमारा लिए क्यों, जो इफेक्ट कब हुई थी, ये हमारा एक्ट 2005 में हो गया था, NREGA नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 के सहित हुई थी. तो वॉज लॉन्च विथ इफेक्ट फ्रॉम, लेकिन इफेक्ट कब हुई थी, 2 फरवरी 2006 में ये शुरू हो गया था. ठीक है, देन ड्यूरिंग 9-10 थ्रू एन अमेंडमेंट द NREGA वॉज रीनेम्ड एज, पहला तो उसका नाम था सिर्फ NREGA, लेकिन उसके बाद उसका नाम जुड़ गया है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट MGNREGA. ओके, टोटल टू स्टार्ट विथ 200 सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री वर ब्रॉट अंडर दिस एडमिट. पहला जो सोपान थी स्टेप थी, दे आर टेकन ओनली 200 डिस्ट्रिक्ट, सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट को लिया गया था इसके अंदर. उसके बाद दे आर इम्प्लीमेंटिंग इन ऑल अराउंड 648 डिस्ट्रिक्ट. ओके, देन द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट व्हाट द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ NREGA, MGNREGA. इट इज एमिंग आर टू एनहांस लाइवलीहुड सिक्योरिटी. पहला तो ये एक आपको लाइवलीहुड सिक्योरिटी दे रही है ऑफ हाउस होल्ड इन रूरल एरियाज. इसको आप रूरल एरियाज को लाइवलीहुड सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए दिस स्कीम्स इज एमर्ज. ओके, एटलीस्ट कितने दिन के काम दे रही है वो, एटलीस्ट 100 डेज ऑफ गारंटेड वेज एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, पहला तो है लाइवलीहुड सिक्योरिटी, सेकेंड इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट 100 डेज ऑफ गारंटेड वेज एम्प्लॉयमेंट. कोई रूरल डेवलपमेंट के प्रोग्राम से या रूरल मिनिस्ट्री के अंडर या कोई उसी एरिया उसके आसपास एरिया में काम हो रही है, जैसे कि आपकी रोड कंस्ट्रक्शन हो रही है, कोई भी फिशिंग कल्चर या कोई भी रिलेटेड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हो रही है विच इज अंडर द प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट, तो वो गवर्नमेंट गारंटेड होते हैं कि द प्रोजेक्ट शुड बी द प्रोजेक्ट शुड गिव एटलीस्ट 100 डेज टू ए पर्सन. अगर कोई ये MGNREGA के अंडर में आ रही है, वो लोग अगर रजिस्टर्ड है, देन दे आर प्रोवाइडिंग एटलीस्ट मिनिमम वो 100 डेज है, मैक्सिमम जितने देर वो प्रोजेक्ट चल रही है वो काम हो रहे, वो है आपकी वेज एम्प्लॉयमेंट. ये कोई परमानेंट जॉब नहीं दे रही, वो है आपकी वेज एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि लेबर का काम हो. ठीक है, फिनांशियल एक ही फिनांशियल ईयर में 2020 मार्च से अप्रैल से 2021 मार्च 31 तक, ये है एक फिनांशियल ईयर. ठीक है, यूनिक फीचर्स ऑफ द एक्ट इंटरअलिया इंक्लूड्स टाइम बाउंड एम्प्लॉयमेंट गारंटी एंड वेज एम्प्लॉय पेमेंट विद इन 15 डेज. वो एक टाइम बाउंड है, जैसे कि टाइम बाउंड क्या है, हमारा जो गांव में लेबर का काम करते जो लोग वेज लेबर का काम करते हैं, जिस दिन वो काम किया उसी दिन जो पेमेंट हो गया उनका, वो हम उनको एक काम स्पेसिफिक होते हैं, टाइम भी स्पेसिफिक होते हैं, पैसे भी स्पेसिफिक होते हैं, सो दे आर जस्ट कॉल्ड एज द वेज लेबर.
जितने श्रम उतने उनके पारिश्रमिक। लेकिन क्या होता है, बहुत बार जो लैंडलॉर्ड्स होते या कोई आधिपत्यशाली व्यक्ति होते, वो क्या करते हैं, काम तो करा लेते हैं वो इस लेवल से, लेकिन पैसे नहीं देते, ज्यादा वक्त उनको काम में लगा देती है। जैसे कि सुबह से आए 7 बजे, 6 बजे से आए, वो 12-1 बजे तक काम कर रही है, उसके बाद खाने के बाद फिर काम से शुरू हो गया शाम तक। ऐसे वो करती है कि 12 घंटा, 14 घंटा उनको वो काम पे लगा देती है। लेकिन वेज कितने, वेज भी उसी के सहित वेज भी समान नहीं रहते, बहुत कम वेज से वो, दे आर एक्सप्लॉइटिंग दिस पीपल बिकॉज दे आर वेरी इनोसेंट, वेरी सिंपल गाइज, सो दे आर एक्सप्लॉइटिंग दिस पीपल। बट इन दिस एक्ट, जो कि एनआरईजी एक्ट के अंदर, आपका जो पैसे है, पेमेंट है, विद इन 15 डेज, 15 दिन के भीतर ही आपको वो पेमेंट मिल जाएगी। एंड गारंटेड टाइम बाउंड क्या है, जैसे कि 8 घंटा या 6 घंटा, वो टाइम बाउंड आपकी है, उसके बाद आप नहीं काम करोगे। अगर आपके काम हो रही है उसके बाद, यू आर गेटिंग मोर इंसेंटिव फॉर दैट। ओके, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट MGNREGA। और क्या इम्पोर्टेंट हो सकती है हमारे लिए, द एक्ट ऑल्सो मैंडेट्स 33% ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ वोमेन। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अस, जो कि मेन के सहित, मेन तो लेबर काम कर रहे हैं, वोमेन भी वेज लेबर में काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर लेबर में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो MGNREGA 2005 का जो एक्ट है, देर ऑल्सो गारंटी एटलीस्ट मिनिमम 33% पार्टिसिपेशन वो वोमेन के लिए रिजर्व है, ठीक है। मेन के सहित वोमेन भी 33% काम कर सकती है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट इज ऑगमेंटिंग वेज एम्प्लॉयमेंट, वेज एम्प्लॉयमेंट, देन चॉइस ऑफ वर्क सजेस्टेड इन एन एक्ट एड्रेसेस कॉज ऑफ क्रोनिक पॉवर्टी लाइक ड्रॉट, डिफोरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, सो दैट द प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज मेंटेन ऑन ए सस्टेनेबल बेसिस। ऐसा हो कि जो भी उसी लोकल एरियाज के काम हो रहे हैं, जैसे कि कोई फॉरेस्ट एरिया हो, कोई माइनिंग एरिया हो, कोई भी रिलेटेड एरिया हो, जो कि जियोग्राफिकली रिलेटिव एरिया हो, या एग्रीकल्चर बेस्ड एरिया हो, इकोनॉमिक बेस्ड एरिया हो, सर्विस बेस्ड एरिया हो, क्या काम कर सकती है अकॉर्डिंग टू देयर लेबर, देयर चॉइस, वो डिपेंड करती है। तो एक सस्टेनेबल वे, सस्टेनेबल क्या है, अभी का वर्तमान का हम सोचें इन विथ रिफरेंस टू द फ्यूचर, हम फ्यूचर को भी हम देखें कि यस सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बहुत बार क्वेश्चन आया है जैसे कि व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज देयर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज देयर, सोशल डेवलपमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज दैट इन व्हिच वी यूज द रिसोर्सेस, व्हाट एवर द रिसोर्सेस मे बी, इट मे बी ह्यूमन रिसोर्सेस, इट मे बी द फिनांस, इट मे बी द नेचर, इट मे बी मिनरल्स, एनीथिंग एल्स। व्हेन वी आर यूजिंग द रिसोर्सेज, वी शुड हैव टू कीप द इन आवर माइंड दैट द रिसोर्सेस शुड बी स्टोर्ड एंड रिजर्व फॉर द फ्यूचर जेनरेशन। सो इट इज रियली इम्पोर्टेंट टू थिंक अबाउट द प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट जेनरेशन, प्रेजेंट पॉपुलेशन विथ रिफरेंस टू, वी ऑल्सो गिव इम्पोर्टेंस, प्रायोरिटी टू द इम्पोर्टेंस एंड नीड ऑफ आवर फ्यूचर जेनरेशन। अगर ये दो चीज हो गया, आपके प्रेजेंट का नीड फुलफिल हो गया, फ्यूचर के लिए आप सोच रहे हो, फ्यूचर के जनरेशन के लिए आप रिजर्व कर रहे हो वो रिसोर्सेज को, देन इट इज कॉल्ड ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, देन द एक्ट ऑल्सो सिग्निफिकेंट व्हीकल ऑफ स्ट्रेंथनिंग डिसेंट्रलाइजेशन एंड डिपेंडिंग प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी बाय गिविंग पाइवोटल रोल टू लोकल गवर्नेंस बॉडीज। ये जो MGNREGA का मॉनिटरिंग, वो सारी चीज कौन कर रही है, लोकल गवर्नेंस बॉडी, जो कि पंचायत, ब्लॉक, वो चीज करे। तो ये हो गया एक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी पावर। ओके, तो यहाँ पर कितने ज्यादा स्टैटिस्टिक्स है, मैं ये PDF तो दे दूंगी, शायद ये जो अगर मैं डिस्कशन करूँगी ये बहुत टाइम हो जाएगी एंड यू विल बी गेटिंग बोर्ड, आई डोंट वॉन्ट सो। सो यू कैन सी दिस इन माई बॉक्स, इनबॉक्स। ओके, ये स्टैटिस्टिक्स हम देख सकते हैं, जैसे कि 2009-10 की ये है हमारा, ये है 2020, 10-11 की, 2011-12 की, 2012-13 की, 2013-14 की ये है। तो ये नंबर ऑफ हाउस होल्ड प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट इन लाख, ओके, ये इन लाख्स में है। देन एवरेज पर्सन डे ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर हाउस होल्ड, एवरेज परसेंटेज ये इतनी है। ओके, तो
तो ये एक सोर्स ऑफ स्टैटिस्टिकल है जो कि 5 years के डाटा यहाँ पर है. अगर आप चाहो यू कैन ऑल्सो सोर्स इन गूगल व्हाट इज द स्टैटिस्टिक्स ऑफ रिकरेंट ईयर ऑल्सो. ओके देन द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो कि अनदर वन स्कीम है जो कि इम्पोर्टेंट फॉर अवर रूरल डेवलपमेंट. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना क्या है और व्हाट इज इट एंड व्हाट्स एम एंड एनीथिंग रिलेटेड टू इम्पोर्टेंट फॉर अवर नॉलेज. असिस्टिंग द रूरल पुअर इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बाय एनकरेजिंग ग्रुप एंड क्लस्टर एक्टिविटीज प्रोवाइडिंग स्किल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रेडिट लिंकेजेस एंड सब्सिडीज एंड क्रिएशन ऑफ मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोडक्ट्स हैज बीन अनदर मेजर प्लैंक ऑफ द पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट. जैसे कि हमारा ये लंच हुई थी 1 अप्रैल 1999, वो कब हुई थी 2005-2006 सेकेंड अप्रैल में उसका इफेक्टिवनेस आया था या शुरू हो गई थी. ओके लेकिन ये ग्राम जयंती स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज का योजना है 1 अप्रैल 1999 में हुई थी which is really for the skill development, providing you the opportunity to subsidies, linkages for, you know, rural poor को. तो ग्रामीण या ग्राम विलेज में जो बिलो पॉवर्टी लाइन में जो लोग हैं उनके लिए जो ग्रुप बना कर एनकरेजिंग एक ग्रुप, जैसे कि SHG ग्रुप हो सकती है या आपकी कोई एक ग्रुप हो सकती है, फिनेंशियल ग्रुप हो सकती है, वो आपको प्रमोट कर रही है, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दे रही है, एक मार्केट सिचुएशन बना रही है वहाँ पर. दे आर गिविंग ऑल लिंकेजेस एंड क्रेडिट सब्सिडीज टू यू टू ग्रो अप. ओके यहाँ पर आपको कोई काम नहीं दे रहा है, आपके पास काम है, आपको वो सपोर्ट कर रही है कि इस काम को बढ़ाओ. ठीक है. हाउएवर द एम्फासिस इज ऑन ग्रुप अप्रोच इज ऑल्सो विथ पर्टिकुलर एम्फासिस ऑन ग्रुप फॉर्मेशन बाय वुमेन एंड वीकर सेक्शन. तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य या जो उनका फॉर्मेशन है वो है हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप. गाँव में या आपकी अर्बन एरियाज में भी कहो बहुत सारी सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जैसे कि हमारे स्वयं सहायक गोष्ठी जिसको हम बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप. पर्टिकुलरली वोमेन बेस्ड ग्रुप होते हैं, वीकर सेक्शन बेस्ड ग्रुप होते हैं, मेन के भी सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, लेकिन अभी तक हमारा जो डोमिनेटेड एरिया है वो वोमेन के लिए है. दे आर मोर इन द फोरफ्रंट जो कि काम करे, जैसे कि कोई लाइवलीहुड एक्टिविटीज कर रही है, कोई मशरूम कल्टिवेशन कर रहे हैं, कोई फ्लोरिकल्चर कर रही है, कोई फिशरीज कर रही है, पोलिट्री, मेनी थिंग्स आर दे आर डूइंग इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. बहुत सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम तो बहुत अच्छा भी हो रही है. इवन यू कैन सी मैनी ऑफ ऑल्सो प्रमोटिंग मैनी डेवलपमेंट एजेंसी ऑल्सो प्रमोटिंग मैनी बैंक ऑल्सो गिविंग सब्सिडाइज लोन टू द सेल्फ हेल्प ग्रुप. वो बहुत अच्छा है कि और हम क्या कर सकते हैं, क्यों सेल्फ हेल्प ग्रुप का इम्पोर्टेंस क्या है, उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकें. जब भी हम गांव में काम करने जा रहे हैं पंचायत लेवल में विलेज लेवल में, तो यू शुड हैव टू कीप इन माइंड. तो फर्स्ट थिंग यू शुड हैव टू कीप इन टच विद द सेल्फ हेल्प ग्रुप अगर आप काम करना चाहते हो, बिकॉज दे आर द हाउस होल्ड मेम्बर्स, दे नो द प्रॉब्लम वेरी वेल, दे आर एसोसिएटेड विद द विलेज मेम्बर वेरी वेल ऑल्सो. So it will be helpful for all of you if you are working with the help and support of self-help group. अगर आपको क्वेश्चन आ सकते हैं आप सेल्फ हेल्प ग्रुप को लेकर कैसे काम करोगे, जैसे कि आपके रूरल एरिया में काम कर रहे हो, कौन आपके की इन्फॉर्मेंट्स होगी, कौन आपके की पैरामीटर्स होगी जिसके साथ आप काम करोगे, तो फर्स्ट थिंग विल कम द सेल्फ हेल्प ग्रुप. वोमेन अगर आपके सही थे आपके आगे पीछे, देन यू कैन डू एनीथिंग. सो सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो अगर कोई कुछ कुछ एरिया में दे आर डूइंग ए वेरी वेल कमांडेबल जॉब, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं जितने भी बॉयज नहीं कर सकते, एक जेंडर बायास नहीं है वहाँ पर, स्कोप मिल रही है, सब्सिडाइज लोन उनको दे रही है, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं सारे लोग पंचायत के लेवल से, तो आपके काम में भी एक पार्ट है सेल्फ हेल्प ग्रुप का, कैसे स्ट्रेंथन किया जाए उसका, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग आप कर सकती हो या कुछ भी आपको टास्क दिया जाए, आप यू हैव टू वॉन्ट टू डू दैट. सो आपके रिलेशन एंड रैपो इफ वेरी वेल एंड गुड विथ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. ग्रुप्स देर आर अराउंड सो मेनी सेल्फ हेल्प ग्रुप इन ए विलेज. इट्स डिपेंड ऑन द उसका पॉपुलेशन कितना है, हाउ पीपल आर इंटरेस्टेकिंग इंटरेस्ट ऑन दैट, हाउ दे आर गेटिंग बेनिफिट ऑन दैट. मोस्टली सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे बनाती है, 150 rupees या 100 से भी ज़्यादा एक मंथली डिपॉजिट होते हैं उनका बैंक अकाउंट में, जो कलेक्शन होते हैं 10 से 14, 15 या 20 तक वो ग्रुप में मेंबर रहते हैं.
ज़्यादा तो हो सकती है, लेकिन मैंने जब जितने भी ग्रुप जाना है 25 से कम है उसका ग्रुप मेंबर। 50 वाले भी ग्रुप है लेकिन बहुत कम है, लेकिन ज़्यादातर ग्रुप वो 12 से 20-25 तक है। तो वो ग्रुप का काम क्या है, वो क्या सोशल सेक्टर में भी काम कर सकते हैं, कल्चरल एस्पेक्ट में भी काम कर सकते हैं, फिनेंशियल एस्पेक्ट में भी तो काम कर रही है वो चीज, लेकिन उनको हम कैसे रूरल पॉवर्टी एलिवेशन के साथ जुड़े और उसका हेल्प कैसे लें। क्योंकि अगर एक महिला शिक्षित हो जाए, स्वावलंबी हो जाए, देन इफ ए वोमेन विल बी गेट एजुकेटेड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड, इट विल बी इजी फॉर ए पर्सन होम और फैमिली टू इराडिकेट द पॉवर्टी। हम ऐसे नहीं कर सकते, हम कंप्लीटली इराडिकेट कर सकते, और इट कैन बी डिक्रीज, तो स्टैटिस्टिक्स द ग्राफ्स कैन बी डिक्रीज। ओके, तो यहाँ है आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में, आप थोड़ा बहुत ज़्यादा सर्च कर लो, या कोई भी आपके पास सेल्फ हेल्प ग्रुप है तो यू कैन ऑल्सो थिंक अबाउट दैट, व्हाट दे आर डूइंग पर्टिकुलर, व्हाट दे आर जॉब्स, दे आर एम्स, ऑब्जेक्टिव, गोल, मेनी थिंग एल्स आर देयर, व्हाट दे आर पर्टिकुलर डूइंग इन योर एरिया, इन योर ब्लॉक यू आर अप्लाइंग फॉर, इन द डिस्ट्रिक्ट यू आर अप्लाइंग फॉर। तो वो बहुत शायद इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आ सकती है, इट माइट बी पॉसिबल। ओके, एन इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, साइलेंट फीचर्स, इट हैज बीन कंसिड एज ए होलिस्टिक प्रॉब्लम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड सम ऑफ इट्स साइलेंट फीचर्स आर ऑर्गेनाइजिंग द रूरल पुअर इन टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थ्रू सोशल मोबिलाइजेशन, की एक्टिविटी एंड डेवलपमेंट ऑफ एक्टिविटी क्लस्टर, ट्रेनिंग एंड मार्केटिंग सपोर्ट टू द स्वरोजगारीज, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनजीओ, सीबीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, एनिमेटर्स इन सोशल मोबिलाइजेशन एंड ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। ओके, देन आपके लिए ये इम्प्लीमेंट कौन करती है, जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, DRDS। ओके, देन और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज का योजना हैज बीन रिस्ट्रक्चर्ड आज नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन और रीनेम्ड एज आजीविका। ओके, हमारा जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज का योजना थी, इट हैज बीन रिस्ट्रक्चर्ड आज नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM और रीनेम्ड एज आजीविका। ओके, देन टू इम्प्लीमेंट इट इन ए मिशन मोड, इट फेस मैनर्स टारगेटेड एंड टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ द रिजल्ट। NRLM की एम क्या होती है, एक टाइम बाउंड रिजल्ट प्रोवाइड करने के लिए, ये ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, डेवलपमेंट प्रोग्राम, या हम कह सकती है कि जितने पोटेंशियल जिनके पास है, जितने स्किल्स जिनके पास है, उसी के हिसाब से ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, सपोर्ट करती है। ठीक है, तो आजीविका ऑल्सो बिलीव दैट स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर ओन बाय द पुअर इनेबल्स देम टू एक्सेस इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर वेरियस प्रपोजेस। ओके, तो ये आपकी जो काम है, NIIDPR की जो काम है आपके अपॉइंटमेंट यंग फेलो की, दिस इज ऑल्सो रियली इम्पोर्टेंट फॉर यू। द टू मेजर स्ट्रैटेजिक शिफ्ट अंडर आजीविका वाइस वर्सा SGSY, जो कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, आजीविका विल बी डिमांड ड्रिवेन प्रोग्राम and the states will formulate their own poverty reduction action plans under it based on their past experience, resources and skill base, and Ajivika will provide for the professional support structure for program implementation at all levels from national or sub district level in different. तो इसका आजीविका का एम ऑब्जेक्टिव क्या है, वो एक प्रोफेशनल सपोर्ट, इंस्टीट्यूशनल या टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे अपने अपने प्रोजेक्ट जो है कि स्टेट बेसिस में जो पॉवर्टी रिडक्शन रूरल डेवलपमेंट चल रही है वो कंटिन्यू होगी, ये एक सिर्फ एक प्रोफेशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, देन इंदिरा आवास, ओके, इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ वोमेन इन एग्रीकल्चर एंड टू एनहांस द अपॉर्चुनिटी ऑफ फॉर एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड महिला किसान सशक्तिकरण प्रयोजना परियोजना, जो कि MKSP, आज ए सब कंपोनेंट ऑफ द आजीविका। और भी इम्पोर्टेंट है ये, क्या ये आप ऐड कर सकते हो, कोई भी अगर इसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है आपको, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना जो कि MKSP हैज ए सब कंपोनेंट ऑफ आजीविका, हुच एम आर्ट प्रेजेंट स्टेटस जो वोमेन के है, महिला के है, उसको कैसे हम इम्प्रूव करें बाय प्रोवाइडिंग एनहांसिंग द अपॉर्चुनिटी फॉर हर एम्पावरमेंट। ओके, ये भी आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक देन द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज दैट इंदिरा आवास योजना,
जो कि द इंदिरा आवास योजना के इनिशिएटेड इन ड्यूरिंग हमारा इंदिरा गांधी के समय में हुआ था, दी देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 1985-86, उसी के नाम से जैसे कि इंदिरा आवास योजना हुई थी। इज ए फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट टू प्रोवाइड हाउसेस टू द बिलो पॉवर्टी लाइन। हमारे जो बीपीएल एंड एपीएल दोनों ही लिस्ट है, पॉवर्टी या आपके हाउस होल्ड पर हेड इनकम के ऊपर, आपकी एनुअल इनकम फैमिली के ऊपर डिपेंड करते हैं। यू आर इन द पॉवर्टी लाइन और यू आर इन द बिलो पॉवर्टी लाइन और एबव द पॉवर्टी लाइन। तो जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग है, बीपीएल लोग है, उनको हम एक हाउसिंग गारंटी प्रोवाइड करते हैं रूरल डेवलपमेंट या रूरल एरियाज में। वो कहते हैं, वो उसका एम्स ऑब्जेक्टिव है इंदिरा आवास योजना। वो इनिशिएट कब हुई थी? हमारा 1985 से 86 में। ठीक है, द रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इज लिमिटेड टू रिलीज एंड टू फैसिलिटेटिंग यूज ऑफ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट के रोल कितने हैं, रिलीज करनी है मोनी अपन, एंड टेक्नोलॉजिकल अगर कोई हेल्प चाहिए उसको आप फैसिलिटेट कर सकते हो। द सीलिंग ऑफ वन कंस्ट्रक्शन असिस्टेंट अंडर एवाई इज 35%, 35,000 फॉर यूनिट इन द प्लेन एरियाज एंड 38,500 इन हिलियर डिफिकल्ट एरियाज। फॉर अपग्रेडेशन ऑफ कच्चा हाउस द फिनेंशियल असिस्टेंट इज 15 पर यूनिट। देन उसका अमाउंट तो आपको शायद नहीं पूछेंगे, सो इट इज नॉट रियली इम्पोर्टेंट आई डू थिंक सो। ओके, देन आप ये सिर्फ जान लो कि इंदिरा आवास योजना क्या है। अमाउंट की आपके अबाउट 22.7 लाख हाउसेस इंक्लूडेड दो सैंक्शन अर्लियर वेयर अंडर कंस्ट्रक्शन। 15 लाख 15.6 लाख हाउसेस वेयर कंप्लीटेड हियर बाय। 62.99% ऑफ द टारगेट वाज अचीव्ड। आपके अगर आपके आसपास कोई एनआरएलएम के सॉरी इंदिरा आवास योजना के काम हो रही है तो यू कैन ऑल्सो ऐड सम पॉइंट। जो आप देख रही हो, जो प्रॉब्लम हो रही है, कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं बोलना है आपको। ठीक है, प्रॉब्लम हो रही है वो ठीक है, लेकिन वो प्रॉब्लम को हम ओवरकम कैसे करें, बिकॉज वी आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वी आर द इम्प्लीमेंटर, वी आर द सपोर्टर, वी आर द कैपेसिटी बिल्डर्स। सो हम ये कैसे कह सकते हैं कि जो हमारा ये प्रॉब्लम हो रही है वो काम नहीं कर रहे, वो चीज़ हम नहीं कह सकते। क्योंकि हाँ जी, हम ऑनेस्ट के साथ ये कह सकते हैं, येस देर इज सम प्रॉब्लम इशूज एंड रिलेटेड टू द प्रोग्राम, बिकॉज पीपुल आर टेकिंग मनी एंड यूजिंग इन अनदर पर्पोजेस लाइक देयर हाउस होल्ड पर्पोजेस। बट हाउ डू यू मोटिवेट देम, हाउ डू यू एनकरेज देम, हाउ द हाउस इज सो इम्पोर्टेंट फॉर देम। वो अगर वो समझ जाए कि हमारे लिए पहले एक छत चाहिए, एक घर चाहिए जो कि इम्पोर्टेंट है, उसके बाद वो और कुछ हाउस होल्ड काम करे तो वो चीज़ अलग सा है। लेकिन पहला काम है हमारा, जो पैसे जो अमाउंट क्रेडिट हो रही है उनके अकाउंट को, वो इज इम्पोर्टेंट टू हाउ दे बिल्ड द हाउस, कंप्लीट द हाउस फास्ट। वी आर नॉट गिविंग द मनी फॉर एनी हाउस होल्ड पर्पोजेस। ऑल्सो वी शुड हैव टू मीट टू नीड द मीट द नीड। सो वो पहला हमारा अपॉर्चुनिटी है या चांस है। हम कैसे कह सकते हैं वो चीज़ को एक पॉजिटिव वे में, ये नहीं कि सुपरफिशियल आप कोई आंसर दे, नहीं नहीं हो सकते, ये हो जाएगी, मैं कर दूंगी, ये ऐसा वाला आंसर कभी नहीं देना। यू शुड हैव टू बी फोकस, काम, क्वाइट एंड आंसर वेरी फ्लुएंटली एंड आंसर वेरी क्लियरली कि येस प्रॉब्लम यू आर देयर। इवन आई एक्सपीरियंस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन माई विलेज, इन माई पंचायत। यू कैन ऑल्सो आर सम केस स्टोरी। आपको ऑथेंटिक केस स्टडीज देना है, कोई गलत वलत स्टोरी नहीं बोलना है आप वहाँ पर। ओके, दे आर गिविंग ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, आई थिंक 15 to 30 मिनट्स, 15 मिनट से 30 मिनट तक, शायद इतने भी नहीं हो सकते, 10 to 15 या 20 मिनट्स। वो आपके डिपेंड करता है आप क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे, हाउ यू प्रेजेंट योर नॉलेज, हाउ प्रेजेंट योर एक्सपीरियंस एंड हाउ यू प्रेजेंट एड्रेस योर पर्सनैलिटी। इट्स डिपेंड, उसी के सहित आपका इंटरव्यू का ड्यूरेशन भी वो तैयार करेंगे। सो इट डिपेंड्स, अगर मैं कोई आंसर नहीं दे पा रहे हूँ, देन हाउ फाई डू दे टॉक विथ मी। ओके, दे सेड ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, वेट फॉर द रिजल्ट, ऐसे कह देंगे वो। सो प्लीज इफ यू वॉन्ट टू टेक टाइम, जस्ट से मैम जस्ट थिंक,
pause for a while, take a time for 10 to 20 seconds, then start answering the question. Don't very immediately answer your question. Just think for a while, अगर कोई situational based question है, then answer. हाँ, मैं कह रही थी कि आप जो आपके इम्पोर्टेंट क्या है, कोई केस स्टडी अगर आप देख रही हो, सच्ची में आपके एक्सपीरियंस में है, अनुभूति में है वो, तो आप कह सकते हो. जैसे कि हमारा विलेज में एक लोग थे जो कि हमारा 1990 हाँ हमारा 1990 का जो साइक्लोन हुई थी, तभी के समय वो इंदिरा आवास योजना बहुत एग्रेसिवली हो रही थी यहाँ पर, तो बहुत सारे लोगों को पैसा मिल रहे थे, उसी के बाद काम कर रहे थे, लोगों अपने अपने घर बना रहे थे. लेकिन वो लोग को एक बार पैसा मिल गया, लेकिन वो लोग पैसा नहीं, घर नहीं बनाकर अलग एक पर्पस में वो उसको एक्सपेंड कर दिया. लेकिन जब भी उनके पास फील्ड ऑफिसर आए, उनका वेरिफिकेशन क्यों क्यों नहीं घर किया, तो उन्होंने बताया कि मेरा तो ये प्रॉब्लम था, इतने पैसे से मैं कैसे काम करूंगी, वो ब्ला 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 चीज बोला रही थी. तो बहुत लोग उनको समझा रहे थे कि आपके लिए घर कितना इम्पोर्टेंट है, आप कैसे, एक घर अगर आपके पास हो तो कोई भी आपको नेचुरल हैजर्डस हो तो आप सेफ हो सकते हो, सेफली रह सकते हो. तो वो चीज़ वो लोग खुद नहीं समझ रहे थे. बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं कि बहुत सारे लोग पैसे ले आती है, लेकिन क्या करते हैं बोलो, एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन में जाती है, तो वो आप यूज कर लेते, जैसे कि अल्कोहल पी रही हो या कोई गंजा भांग खा रही हो, वो चीज़ में खर्च कर देती है. तो वो चीज़ भी इम्पोर्टेंट है हमको देखने के लिए. तो अभी क्या हो रही है, आपको तो सैंक्शन हो गई है, वो क्रेडिट बेस्ड में पैसे आ रहे हैं अकाउंट में, इतने इतने कम कर कर, इतने काम करो, इतने लेवल के काम हो जाए, इतने पैसा अमाउंट क्रेडिट हो जाएगी, आपके सीलिंग तक आ जाए, इतने अमाउंट का क्रेडिट हो जाएगी, आपकी छत पर कंप्लीट हो जाए कंप्लीटली, तो वो इतने पैसे, आप कंप्लीटली घर बना ले तो आपके क्रेडिट बेस में वो पैसा आ रहे थे. अगर आप 4 मंथ या 6 मंथ के भीतर ही आपके घर कंप्लीट करे तो वो एक इंसेंटिव आता है, आई थिंक इट्स 20,000, 10 to 20, 20,000, यस इट्स 20,000. तो वो चीज़ अगर हो रही है, हम इनकरेज करें, अगर काम करें, बहुत डेवलपमेंट हुआ है, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण या हमारे रूरल एरिया में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट हो रही है अभी. तो पहला वाला जो स्कीम्स था, वर्नाकुला स्कीम जो हो रही थी, जो इनिशियल स्टेज में था, अगर हम कंपैरिजन करें तो अभी जो चल रही है, अभी जो कंटिन्यू करे जो स्कीम्स, वो बहुत अच्छे है. ठीक है, देन इम्पोर्टेंट ये इसी तरह आप क्वेश्चन का आंसर करे कर सकती हो. देन रूरल हाउसिंग इज वन ऑफ द 6 कंपोनेंट्स ऑफ भारत निर्माण प्रोग्राम. रूरल हाउसिंग, जैसे कि यूएनडीपी का बात कर रही थी, यूएनडीपी में जो रूरल हाउसिंग, बहुत सारे विंग्स तो है, जेंडर और क्लाइमेट, वोमेन, रूरल हाउसिंग. तो मैं एक आपकी एक कमेंट आई थी कि मैं आपकी यूएनडीपी का एक्सपीरियंस शेयर करूँ. ओके ठीक है, मैं शेयर करती हूँ, तभी तो मैंने बताई थी, और एक बार बता देती हूँ आपको. हमारा जो यूएनडीपी में पोस्टिंग हो रही थी उसी के टाइम 2018 शायद 17-18 के समय, उसका एग्जाम जो हो रही थी वो ऑनलाइन में हो रही थी. टू बी वेरी फ्रांक, वो ऑनलाइन में हो रही थी, आपको घर बैठकर लैपटॉप में वो क्वेश्चन का आंसर दे रहे देना है, सारी वो ऑनलाइन में हो रही थी, घर पर आपके एग्जाम हो रहे थे, लेकिन तभी भी बहुत सारे लोग ने फेल हो गया था, वो अलग बात है. इंटरव्यू जब हुआ था मेरा, तो वो क्वेश्चंस क्या थे, जैसे कि पहला तो मैंने बताया कि इंट्रोडक्शन इज द मेन एंड फॉरमोस्ट पार्ट फॉर एवरी एग्जाम यू आर गोइंग टू अपियर फॉर एवरी इंटरव्यू. तो इंट्रोडक्शन हो गई थी मेरा कंप्लीट, जैसे कि मैंने मेरा नाम, मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, अभी मैं क्या कंटिन्यू कर रही हूँ, अगर कोई कंटिन्यूशन आपके एजुकेशन में हो तो आप बता सकते हो. देन आपका रिसर्च एक्सपीरियंस क्या है, अगर आपका काम करने का कोई एक्सपीरियंस है पास्ट वा और अभी कंटिन्यू है, वो भी आप बता सकते हो, वो भी आप बताना. उसके बाद अगर कोई कमांड है आपके पास, अगर कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है या ट्रेनिंग है आपके पास या कोई अवार्ड है आपके पास, तो इट इज गिवन ए वेटेस्ट टू योर इंट्रोडक्शन, आप इंट्रोडक्शन में वो बात बता सकते हो, क्योंकि आपको दूसरा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी आपके पास पास क्या चीज़ है उनको बताने के लिए. तो ये है आपके इंट्रोडक्शन पार्ट जो मैंने बताई थी. देन उसके बाद दे आर सडनली आस्किंग मी वाई आर इंटरेस्टेड इन ए रूरल हाउसिंग प्रोजेक्ट, बिकॉज यू आर डूइंग योर रिसर्च वर्क इन ए वेरी एक्सटेंसिव वे, जो कि मेरा रिसर्च अब चल रहा है कि एक पीबीटीजी, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जो कि उड़ीसा में है,
So while you are taking interest, you are a very academic career, and they have my CV with them, my certificates. So they said ki you are a gold medalist, you have a very excellent and outstanding career and everything else you have, but why you are working with the rural housing project is only this time. तो उसका सैलरी थी आई थिंक 15,000 समथिंग इज, लेकिन अभी उनका सैलरी 25 से ज्यादा हो गई है. तो उन्होंने मुझे पूछे कि वो डिमोरलाइज करने के लिए नहीं, कि आपको पर्सनालिटी टेस्ट बोल रहे कि आप कैसे उसको आंसर कर सकते हो. देन आई सेड कि यस आई एम वर्किंग हार्ड विथ माई फील्ड, कि मैं अभी रिसर्च कर रही हूँ, एक रिसर्च स्कॉलर हूँ, देन डॉक्टरल फेलो हूँ. तो लेकिन मेरा जो इंटरेस्ट है, माई इंटरेस्ट इज इन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ रूरल डेवलपमेंट. आई वॉन्ट टू हैव ए न्यू एक्सपीरियंस इन माई लाइफ, बिकॉज आज यू इज नो इंडिया इज लिव्स इन विलेज, सो इट्स रियली एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू नो एंड एक्सपीरियंस एंड फील दिस थिंग्स. एंड UNDP इज ए सच एन एक्सलेंट प्लेटफॉर्म विच इज रियली गिविंग मी द ग्लैडियस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू क्रिएट ए स्पेस इन द फील्ड एंड हैव द यू नो बेटर एंड बेस्टेस्ट एक्सपीरियंस विद द एक्सलेंट एंड एक्सपर्टाइज टीम. So monitoring and evaluated myself, my work, and my output with a very highly experienced, talented expertise group, जो कि UNDP है. So it will be really opportunity for me, and I don't want to give it away. Then they are getting more impressed. Then they ask me another question. कि इफ सम जैसे कि मैंने केस स्टडीज बताई थी, इफ समवन इज गिविंग मनी फॉर देयर हाउस बिल्डिंग बट दे आर यूजिंग इट इन अनदर पर्पज, लाइक ही इज अ वेरी पुअर पर्सन, ही हैड हिज डॉटर्स मैरिज सेरेमोनी, सो ही डोंट हैव मनी एट दैट टाइम एंड ही स्पेंडेड इट. देन व्हाट इज योर अप्रोच, हाउ कैन यू डू इन दैट केस? Then I really it's I answered really it happens, and it happens in many time also. It is not a single case, there are many such cases and in such other circumstances, जैसे कि addiction के कहो, कोई disease हो, then they spend this money in that format, और कोई आप marriage ceremony हो, अलग सा काम हो, agriculture based काम हो, then also they are using in that field also. There are many substance examples in that field. But yes, however we can do in that thing is that first, before giving the schemes to anybody else, before giving the amount to them, let them confirm ki at least a 10% of work should be done by themselves. अगर क्योंकि हमारा जो अमाउंट है 1,20,000 30,000 या समथिंग एल्स, इट इज नॉट द कंप्लीट अमाउंट दे कैन बिल्ड ए होम. दे आर ऑल्सो एडिंग देयर मनी. इफ द पर्सन इज कैपेबल ऑफ गिविंग एटलीस्ट 10 to 25% दे आर एफर्ट, देन इट विल बी रियली इजी. वी आर जस्ट सब्सिडाइजिंग देम, यू आर वी आर जस्ट हेल्प देम, वी आर जस्ट फोर्स देम टू डू दैट थिंग. ओके, वी आर जस्ट गिविंग आवर हेल्पिंग हैंड. So if they are really interested, keen interested, it will be known. The situation will be evaluated by the local bodies, the self-help group, the nominee, sarpanch, etc. So if the amount is already spent, then what can we do? We just motivate them. Please do start by yourself. Other जो amount है, अगर हम उनको समझाए कि वो खुद ही उसी amount वो तो अरेंज नहीं कर पाए या कर पाए, दिस डिपेंड्स ऑन द फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ द कैंडिडेट. बट घर कितना इम्पोर्टेंट है, हम उसको समझा सकते हैं कि एक घर अगर हो जाए, वो सेफली आपके परिवार के साथ रह सकती है. तो अगर वो मोटिवेट हो गए, देन दे रियली अरेंज सम काइंड ऑफ मनी एंड दे गोइंग टू स्टार्ट द हाउस. देन वी कैन क्रेडिट अनदर आवर क्रेडिट बेस्ड जो सिस्टम होते हैं, हमारा अमाउंट हम क्रेडिट कर सकते हैं, उसके बाद वो शायद घर कर सकते हैं. तो ये हो सकते हैं, लेकिन बहुत सिचुएशन ऐसे होते हैं, बहुत बार भी हम फेलोर हो जाते हैं, नहीं कर सकते हैं. तो ये भी आपको कहना है कि हाँ, लेकिन हम कोशिश करेंगे उसको मोटिवेट करने के लिए, कैसे भी अपने घर को थोड़ा बहुत स्टार्ट कर ले, जिसके तरह हमारे जो रिपोर्ट है उसी के साथ. अगर एक बार वो पैसा वो जो अमाउंट क्रेडिट हुई थी अलग तरीके से वो यूज़ कर लिया है और घर भी स्टार्ट नहीं कर रही है, तो हमारा सिस्टम वो वहाँ से फेल हो सकती है. हम और जो क्रेडिट मनी हम उसको नहीं दे सकते. अगर उनको वो क्रेडिट अमाउंट चाहिए,
तो उनको अपने घर स्टार्ट करने चाहिए। हम रेगुलर मॉनिटर करेंगे उसको, रेगुलर विजिट करेंगे वहां पर, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे होता है कि वो अपने खुद ही खुद कर सकती है, लेकिन केसेस भी ऐसी होती जहां पर हमको 100% एफर्ट देना है। वो ऐसे केस में हमारा फिजिकल प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है, हमारा मोरल एंड स्पिरिचुअल जो सपोर्ट है उनको, साइकोलॉजिकल हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। हम उसको डिमोरलाइज नहीं करेंगे, हमको उसको इनकरेज करेंगे। हाँ, गवर्नमेंट के जो रूल एंड स्कीम है हम उसके बारे में बता सकते हैं आपको, जैसे कि कैसा कौन सी लीगल एस्पेक्ट है वहाँ पर, वो चीज़ हम बता सकते हैं। और ये था हमारा, मेरा जो सेकेंड क्वेश्चन, उसका आंसर मैंने ऐसे दिया थी। अभी तक तो थोड़ा बहुत याद भी नहीं है, लेकिन आई जस्ट ट्राई टू रिकॉर्ड ऑल दिस थिंग्स एंड आंसरिंग यू। दिस आई थिंक दिस इज नॉट द एग्जैक्ट आंसर आई एम गिविंग, बट दिस इज ऑल अबाउट द सेम थिंग। सो माई इंटरव्यू इज इन इंग्लिश लैंग्वेज बिकॉज आई एम वेरी वेरी सॉरी, बट आई एम रियली कम्फर्टेबल मोर इन इंग्लिश एंड मोर इन माई नेटिव लैंग्वेज। दिस इज द माई फर्स्ट प्रायोरिटी। इफ समवन गिव मी द प्रायोरिटी, आई एम प्राउड टू बी एन ओडिया एंड आई लव माई ओडिया। वंदे उत्कल जननी, जो कि मेरा मेरी पहचान, मेरी भाषा है, मैं उसको जितना चाहे सम्मान करूँ इतना ही कम है। उसके बाद हिंदी तो एक राष्ट्रभाषा है हमारी, उसको हिंदी को सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, वो करनी चाहिए भी। लेकिन अगर कंपैरिजन करें हिंदी एंड इंग्लिश में, आई एल मोर कंफर्टेबल इन इंग्लिश। सो ऑल माई इंटरव्यू इन इंग्लिश लैंग्वेज बिकॉज आई एम नॉट वेरी कमांड ओवर, जो कि वोकैबुलरी कमांड नहीं है मेरे हिंदी में। सो आई एम ट्राइंग टू डू इट फॉर ऑल ऑफ यू। सो प्लीज फॉरगिव मी इफ आई एम डूइंग एनी मिस्टेक। आई ऑल्सो अंडरस्टैंड एंड रियलाइज सम हाउ आई एम जस्ट जैसे कि मेल फीमेल में कोई होता है, वो चीज़ गलत मैं बोल देती हूँ। सो गाइज प्लीज टू फॉरगिव मी एंड आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट। मैं ट्राई करी हूँ, और एक बात का बहुत इम्प्रूव हुआ है मेरे हिंदी में, जैसे कि मैंने वीडियो बना ही तो उसके बाद बहुत कमेंट आ रही थी कि मैम, रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम प्लीज डू इट इन हिंदी ऑल्सो। और जो साउथ के लोग हैं वो बोल रहे थे कि मैम डू इट ओनली इन इंग्लिश, तो हमारा नॉर्थ के लोग हैं वो बोल रहे थे कि प्लीज डू इट इन हिंदी। तो ये कंफ्लिक्ट हो रहे थे, तो आई जस्ट ट्राई टू डू इट इन बोथ बायलिंगुअल, हिंदी में हो इंग्लिश में दोनों में हो। तो आप अगर जो भी कोई लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, हिंदी हो इंग्लिश हो, वो हैदराबाद के लोग हैं शायद वो तेलुगु भी समझ सकते हैं, देन यू कैन ऑल्सो आस्क देम फॉर तेलुगु। अगर कोई तेलुगु स्पीकिंग कैंडिडेट देख रहे हैं वीडियो को, अगर आपकी इंटरव्यू है, देन यू कैन आस्क फॉर देम ऑल्सो इफ दे आर कम्फर्टेबल। आई डोंट थिंक दे विल डू इट और दे विल नॉट डोंट डू इट, इट्स डिपेंड ऑन देम द पैनल, बट यू कैन आस्क फॉर योर लैंग्वेज। बट हिंदी एंड इंग्लिश इज द आई थिंक प्रिफरेबल लैंग्वेज, दे आर बी कम्फर्टेबल विद दैट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस। देन सम अदर क्वेश्चन ऑल्सो आर देयर, आई थिंक इट्स अराउंड, और क्या क्वेश्चन थी, बहुत सारे क्वेश्चन थे, मुझे तो अभी याद नहीं है इतना सारा ज़्यादा क्वेश्चन, क्योंकि मेरा इंटरव्यू बहुत वक्त तक देर तक चल रही थी, 30-45 मिनट्स वो इंटरव्यू ले रहे थे मेरा। और भी मेरा रिसर्च एक्सपीरियंस के बारे में वो पूछ रही थी, मेरा प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछ रही थी, मेरा जो पब्लिकेशंस है इंटरनेशनल नेशनल जर्नल में वो बारे में वो पूछ रही थी, और मैं कैसे काम कर रही हूँ PBDG ग्रुप एरिया में, रूरल एरिया में मैं कैसे काम करूँगी, वो सारे चीज़ वो पूछ रही थी। बहुत सारे इम्पोर्टेंट है, तो आपको वो एक्सपीरियंस क्या है वो पूछ सकती है, बहुत सारी चीज़ वो पूछ सकती है, तो यू आर बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो। देन और क्या इम्पोर्टेंट है, हाउसिंग, रूरल हाउसिंग इज वन ऑफ द चीफ कंपोनेंट्स ऑफ भारत निर्माण, तो इम्पोर्टेंट है, अभी तक हो गया हमारे। देन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, द 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ये कोई स्टेट लेवल का स्कीम नहीं है, ये कंप्लीट एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है, ये सेंट्रल स्कीम है जो रोड कनेक्टिविटी के ऊपर है। तो ये आपको शायद इसी के ऊपर क्वेश्चन आ सकती है, तो यू जस्ट हैव टू नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स। ओके, देन इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट नेशनल सोशल असिस्टेंट प्लान, जो कि हमारी इंट्रोड्यूस्ड इन द बजट 1995-96 एंड इट इंक्लूडेड नेशनल ओल्ड एज पेंशन, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम, हमारा जो न्यू स्कीम आज ऑल्सो 2000 में इंट्रोड्यूस हुआ है अन्नपूर्णा स्कीम। तो यहाँ पर कितने स्कीम हमारा नेशनल सोशल असिस्टेंस में है, वो चीज़ भी आपको थोड़ा बहुत देख लो, इट विल बी रियली गोइंग टू हेल्प यू। ओके, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, जो कि इग्नू वाप्स, इंदिरा गांधी नेशनल डिजेबिलिटी पेंशन स्कीम,
यू आर इंट्रोड्यूस्ड बाय एनएसपीए, जो कि हमारे नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम में, ये दो भी जुड़ी हुई है। देन और क्या इम्पोर्टेंट है, ये तो हो गए आपके सारे इम्पोर्टेंट थिंग। देन इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम विच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, जो कि द थ्री वाटरशेड प्रोग्राम इन द डिपार्टमेंट लैंड रिसोर्स, नेमली ड्रॉट प्रोन एरियाज प्रोग्राम, डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड इंटीग्रेटेड वाटरशेड वेस्ट लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, एंड देन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, इट्स रियली इम्पोर्टेंट। अगर कोई इलेक्ट्रिक इशूज हो, यू शुड हैव टू बी नोन अबाउट दिस इशू ऑल्सो, क्या क्या प्रॉब्लम है रूरल एरियाज में। देन रिन्यूएबल एनर्जी इम्पोर्टेंट है। देन अर्बन स्कीम, ये हो गए आपके सारे स्कीम्स। ओके, देन हम देखेंगे कि अनुरल रिपोर्ट में क्या है। यू जस्ट रीड ऑल द PDF फाइल वंस, बट फोकस ऑन द सिचुएशनल बेसिस आंसर को आपको कैसे करनी है, वो चीज़ को फोकस करो, वो हो जाएगी आपकी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, डोंट वरी। इसमें जो इम्पोर्टेंट है, मैं वही पेज को ले जाती हूँ आपको। यस, जैसे कि आपके टेक्नोलॉजी एक्टिविटीज, ये हो गया आपकी इम्पोर्टेंट। ठीक है, मैं स्टेट वाइज डाटा है, इनोवेटिव स्किल डेवलपमेंट ये है। जैसे कि आपका हो गया स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में क्या क्या हुई थी और इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट क्या चल रहे हैं उसके सहित, मॉनिटरिंग इवाल्युएशन कौन कर रहे हैं। देन आपकी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, जो कि इम्पोर्टेंट है, वहाँ पर हम मिस कर गई थी। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, जो कि इज ए प्लेसमेंट लिंक स्किल ट्रेनिंग, जो कि स्किल ट्रेनिंग दे रही है उसके साथ आपको प्लेसमेंट भी दे रही है। प्लेसमेंट लिंक स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द अंडर प्रिविलेज रूरल यूथ ऑफ द कंट्री, कंट्री का जो अंडर प्रिविलेज एजुकेटेड हो लेकिन उनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं हो, उन लोगों के लिए, उन कैंडिडेट के लिए, यूथ के लिए वो प्रोग्राम है DDUGKY। ओके, वो एक इम्पोर्टेंट है आपके लिए ऑल्सो। ये आपकी इम्पोर्टेंट, जो कि है इंस्पेक्शन ऑफ ट्रेनिंग सेंटर कंडक्टेड ड्यूरिंग अप्रैल 2019 मार्च 20, जो कि नंबर ऑफ प्रोजेक्ट इन प्रोग्रेस, जो कि कितने प्रोजेक्ट चल रहे रूरल डेवलपमेंट बेसिस के ऊपर, जितने भी स्टेट है यहाँ पर हमारे, वो एक बार देख लो। उसके बाद इम्पोर्टेंट थेमाटिक, नथिंग एल्स इज इम्पोर्टेंट। ओके, ये हो गए आपके सारे डिटेल्स। देन द ग्राफ बिलो प्रोग्राम वाइज पार्टिसिपेशन अंडर DDUGKY, यहाँ पर है आपके कितने लोग कौन से स्टेट में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं DDUGKY में। सबसे ज़्यादा आपके आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, पंजाब, झारखंड, कर्नाटक, ये जगह में हो रहे हैं, उन्हीं स्टेट में, जो कि स्टेट वाइज पार्टिसिपेशन इन DDUGKY ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये भी आप बोल सकते हो अगर आपके पास डेटा है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वो दोनों स्टेट बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन है, बहुत सारे लोग कैंडिडेट या यूथ DDUGKY में उनका पार्टिसिपेशन है, ये आप कह सकती हो कि आपकी स्टेट की लोकेशंस क्या है, जैसे कि मणिपुर, महाराष्ट्र, पंजाब, सिक्किम, राजस्थान, गोवा, गुजरात, हिमाचल, ये भी आप बता सकती हो। ठीक है, ये हो गई आपके सारे डिटेल्स। आई होप इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन योर इंटरव्यू। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, दिस इज़ माई आई थिंक, उसके बाद मैं इंटरव्यू के बारे में और एक वीडियो बनाऊँ, जो कि जिसका भी 10 जून में इंटरव्यू है। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ टू पोस्ट ऑल योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स, वी विल डिस्कस एंड इट विल बी रियली गोइंग टू हेल्प यू other candidate, if we are going to help others, God will be help us, definitely God will help you. आप जो भी question आपको पूछ रहे हैं वो वहाँ पर interview में एक बार आप post कर दो comment box में, वो अलग सा जो candidate उनके 10th, 11th या 14th में है उनको थोड़ा बहुत help हो जाएगी। I request to all my viewers, please do that.
wish you all the very best for your interview personality test. We are going to attend it in the fast time. Please don't get nervous. कभी भी नर्वस नहीं होना. बी कॉन्फिडेंस. जो भी बोल रहे हो कॉन्फिडेंस के साथ बोलो. अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रही है आपको, सही आंसर पता नहीं है, तो प्लीज से आई एम सॉरी सर, आई डोंट नो द आंसर, आई एम फीलिंग सॉरी फॉर दैट. एंड देन दे विल आस्क अनदर क्वेश्चन टू यू. डोंट मेक देम फुलिस. उनको सारे जो हमारे इंटरव्यू पैनल में है सारे चीज उनको पता है. वो इसी फील्ड में काम कर रहे हैं, एक्सपर्ट से हम घुमाने फिराने के लिए उनको अगर कोशिश करेंगे वो हमें आपको बुमेरांग हो जाएगी, हम के ऊपर वो बहुत भारी पड़ जाएगी. सो उनको हम बुमेरांग नहीं करेंगे. जो भी क्वेश्चन का आंसर हमको सच्ची में पता है वो आंसर देंगे. अगर कोशिश कर रही है सर मुझे आंसर तो मालूम नहीं, मैं आई ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन, आप ये पोलाइटली बोल सकते हो और आंसर कर सकते हो, तो उनको पहले से समझ में आ जाएगी. ठीक है, उसका पता नहीं था, वो कोशिश करे तो बहुत अच्छा है, ये कर सकते हो आप. ठीक है, तो थैंक यू सो मच. विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम, फॉर योर इंटरव्यू एंड पर्सनालिटी टेस्ट. गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू एंड लॉट्स ऑफ लव एंड रिगार्ड्स टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स.